नमस्कार दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2022 दिन वीरवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला है। जानते हैं सन्नी भाई की दुकान पे, जैसे शिमला मिर्चों की गाड़ियां आई, एक आई शिवपुरी, दूसरी आई आगरा बरेली, ये भी आगरा है और ये है महाराष्ट्र सांगली। जान लेंगे इनका आज का क्या क्या बाजार चला। पापड़ी मिर्च आई, ये वाली इसको पापड़ी मिर्च बोलते हैं दोस्तों, और ये जो है लंबी वाली पीली मिर्च है जिसका पकौड़ा बनता है। जान लेंगे हरी तिखी मिर्ची भी आई, खीरा आया, फ्रांस बीन आई, क्या कुछ बाजार चला। और ये भाई साहब आए यहाँ से बरेली, अपना बंदायू से। हाँ जी, क्या नाम है दोस्त अपना? मेरा नाम दुर्वेश कुमार। अच्छा जी, दुर्वेश कुमार जी। तो कौन सा गांव पड़ता है अपना? मेरा गांव पड़ता है गढ़ौलिया पट्टी तासोल, तहसील सहजवान, जिला बदायूं। बदायूं जी। तो आपका शिमला मिर्च का काम है? शिमला मिर्च का काम है, कई वर्षों तो शिमला मिर्च कर रहा हूं मैं। हाँ जी। ऐसी बारिश आज तक नहीं हुई, इतना नुकसान आज तक नहीं हुआ है जितना अब की बार हो चुकी। जितना अब की बार हुआ है उतना। तो खेतों में से पानी उतर लिया जी आपके वहाँ पर? खेतों में से पानी पंप सेट से निकाला है। हाँ जी। इंजन से निकाला है। हाँ जी। बड़ी मुश्किल से। हाँ जी। लागत नहीं लौट पाएगी, किसान चौपट हो गया है बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा। जो हरी तिक्खी मिर्ची लगती है आपके इलाके में उसकी क्या हालत है जी? शिमला मिर्च लगती है हमारे इलाके में, 78 नंबर लगती है जी, 78 भी लगती है, उसमें भी काफी भारी नुकसान है। अच्छा जी, शिमला में ज्यादा हो गया जी, बहुत नुकसान हो गया। पेड़ तो नहीं सूखे जी इसमें? पेड़ सूख गए प्लस नीचे गिर गए। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। ये था दोस्तों किसानों का दर्द, बेचारों की शिमला मिर्चें खराब हो गई। चलिए जान लेंगे सन्नी भाई से आज का रेट क्या क्या चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी? यही मंगा रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब जी, कैसा बाजार चला जी, कैसी पोजीशन है जी, कहाँ कहाँ के माल जी? राणा साहब, माल तो आप देख ही रहे होंगे। हाँ जी, माल लोकली भरपूर हो गया। हाँ जी, दिशावर ये सांगली वाली मिर्ची है ये। हाँ जी, अब सिंह सांगली वाली मिर्ची को ग्राहक नहीं पकड़ रहा है। अच्छा जी, मेन ग्राहक की आप लोकल के पीछे भाग रहे हैं आपके। अच्छा जी, रात को परचून के अंदर जो बिक्री है। हाँ जी, वो आगरा बिक्री है। हाँ जी, क्या हुआ? ये माइक लगा दिया जी, माइक दूर हो जाता है, अब सही आ रही है। हाँ जी, ये लाट डाल ले, 150 का लाट है। रात को जो बिक्री है, या तो वो आगरा बिक्री है। हाँ, या बरेली बिक्री है, या शिवपुरी बिक्री है। अच्छा जी, अब इसके आगे क्या है, या तो जबलपुर बिक्री है। हाँ जी, अब जो सांगली वाले माल है वो रातों को नहीं बिक रहे हैं। अच्छा जी, सांगली वाले मालों का दिन का भी का, या मुझे माहौल मान के चलो, ये आप जो ढंग के साफ सुथरे माल है। हाँ जी, वो बिक रहे हैं 42 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो तक। अच्छा जी, जो साफ सुथरे ढंग के माल है। अच्छा जी, जो माल हल्के हैं उनका कोई बाजार नहीं है। तो कितने दिन चलेगी? पंजाब वंजाब डालेंगे वो वहाँ बिकेगा 30-35-40 रुपए, बिक्री वही 15-20 रुपए की आती है हाथ में। अच्छा जी, अब खेल कुल मिला के क्या, सांगलिया खेल खत्म हो चुका है। तो कितने दिन आएगी मेरे ख्याल से? आज ये गाड़ी लास्ट है। लास्ट, कल कोई गाड़ी मंडी में सांगली की नहीं है, आज सांगली बिल्कुल लास्ट है। या तो पीछे बाजार टूटेगा। हाँ जी, तब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, सांगली टोटल लास्ट है। यानी मियां जी का बस अब जाने का टाइम आ गया, बिल्कुल ठंडे पड़े हैं सब, उदास हैं। हाँ जी, क्योंकि जो भाव का माल पीछे चले हुए हैं वो भाव के माल दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं। अच्छा जी, ये भाव का माहौल चल रहा है सांगली का। अच्छा जी, अब इसके आगे आप आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ आप जबलपुर के अंदर, ये जो लाल पीले डब्बे ये वाले, ये खाकी कलर के डब्बे आए जो रात को जबलपुर वाले। हाँ जी, वो बिके हैं अपने मंडी के अंदर 52 रुपए किलो से 56 रुपए किलो तक, जबलपुर वाले माल। अच्छा जी, जो माल नए है जिनमें मालों में धागे की शिकायत नहीं है। अच्छा जी, जो जबलपुर में धागे की शिकायत है वो बिक रहे हैं 50-52 रुपए किलो रात को बिके हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आया तो शिवपुरी वाले मालों में। हाँ जी, शिवपुरी वाले माल जो पन्नियों के अंदर माल आए हैं, माल साफ सुथरे चमकदार थे। हाँ जी, वो अपने बिके 52-53-54 रुपए किलो की, फिर वो ठीक है जी, पन्नी में बिक रही इस रेंज में जी? हाँ, पन्नी में बिक रही है। और जो डब्बों के अंदर शिवपुरी आई है। हाँ जी, वो बिक रही है अपनी 52 रुपए किलो से लेके 56 रुपए किलो तक। अच्छा जी, 54-55-56 वो बिक रही है जिनमें धागे की शिकायतें नहीं है, जिनमें धागे की शिकायतें है। हाँ जी, वो बिक रही है 52-53 रुपए की लपेटे में शिवपुरी वाले माल। अच्छा जी, पीछे हुई है बरसात शिवपुरी में अभी, ये चक्कर में देखो आप देख रहे हो माल रीपैक हो रहे हैं गाड़ियों के अंदर, तो हाँ जी, माल जो पीछे बरसात हुई है ये चक्कर में माल हो रहे हैं डैमेज। हाँ जी, आप आ जाओ इसके आगे, अब आगरा वाले माल। हाँ जी, आगरा वाले माल बरसातों की वजह से वो भी डैमेज है। जो ढंग के माल है वो है 55-60 रुपए किलो के। हाँ जी, और जो ऐसे देखो एक आगरा के कबाड़ है। हाँ जी, ये बिक रहे हैं 15-20 रुपए किलो आगरा। अच्छा जी, हाँ, मतलब ये समझ लो कि क्वालिटी वाले माल है वो है 50-55 रुपए किलो पेटे में, हल्के माल है 15-20 रुपए। ये भी एक किसान बैठा आपका बंदायू का, कहाँ का बैठा जी बाहर ये? अच्छा। मैंने इससे पूछे कर कि हमारा तो 50-60% से भी ज्यादा नुकसान हो चुका है।
नहीं नुकसान देखो चाहे आगरा हो चाहे बरेली, नुकसान तो बरसात में हर जगह पे है। अच्छा जी, अब इसके आगे आप आ जाओ आगरा की अचारी। हाँ जी, आगरा की अचारी अगर डंकी है तो 40-45 रुपए किलो, अचारी अगर हल्की है हाँ तो वो हर भाव है 20-25-30 रुपए। क्योंकि माल में क्या मुश्किल, सबसे सारे मालों में डैमी की शिकायतें ज्यादा है बरसात ने, बिल्कुल इस चक्कर में ग्राहक कम पकड़ रहा है। अब आ जाओ उसके आगे बरेली के। हाँ जी, बरेली के जो माल बिके हैं वो बिके हैं 45 और 50 रुपए की पोजीशन में। अच्छा, जो माल साफ सुथरे वो 50 रुपए चले हैं, जो हाल के 19 भी जो 45 हाँ, और जो बिल्कुल दागी दुगी है वो बोरिया हुक्का बिकी है। अच्छा जी, हुक्के की एवरेज आएगी 10 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो की। ओ थारी का, ये है बरेली वाले मॉलों की। और बरेली वाली जो हरी मिर्ची आई थी वो बिकी 40 रुपए किलो तीखी तीखी, और शिवपुरी वाली जो तीखी आई वो बिकी है 32-35 रुपए किलो। अच्छा जी, हाँ ये मॉल चल रहा है। खीरे का मॉल ठंडा हो चुका है। हाँ जी, खीरे के अंदर कोई दम नहीं है इस टाइम पे। हाँ जी, बाकी आ गया इसके आगे गवार, हैदराबादी गवार मंडी के अंदर आई नहीं थी। हाँ जी, आंवला जो आ रहा है वो 30-32 की पोजीशन में आंवला बिक रहा है। अच्छा जी, बाकी हाल फिलहाल ये पोजीशन है मंडी। फिर ये क्या बनेगा जी इनका, जो लोकल वाले आपके जो आगरा बरेली नारकी? देखो अब बरसातें बंद हुई है, अब मौसम खुलेगा, धूप खुल के निकलेगी। हाँ जी, अब जो डैमेज की शिकायतें जो आ रही थी ना बंद हो जाएगी। पर वो तो क्वालिटी, अब डैमेज क्या करेगा जी, माल जी खराब होगा क्वालिटी। मैंने वो क्या बोला था, हाँ जी क्वालिटी का जो भी सुधार आएगा वो आएगा नवंबर एंड में। हाँ जी, हाँ ये मान के चलना कि उस टाइम पता लगेगा कि कौन अपनी क्वालिटी सुधार पाया, कोई क्वालिटी नहीं सुधार पाया। बारिश के आगे किसका जोर चलेगा? हाँ, इस टाइम क्या जो किसान को रेट मिल रहा है। हाँ जी, किसान मिर्ची तोड़े जा रहा है। अब इधर देखो, अब इधर हाँ जी, ये आगरा की सारी मिर्ची अभी बिल्कुल बच्चे हैं ये। हाँ जी, ये चाहते पेट पे रख के इसको बड़ा कर सकते थे। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने मिर्ची तोड़ना शुरू कर दी है। अच्छा जी, और ये देखो ये आगरा की, यही आगरा की जो डैमेज हो रही है ना, यही डैमेज शिकायत आगरा में आ रही है। हाँ जी, अब इधर आओ आप। हाँ जी, अब यही डैमेज की शिकायत मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, अरे शुक्रिया, ये देखो ये माल देखने में लग रहे हैं ना। हाँ जी, जो ये जा रहे हैं। हाँ जी, ये दीजिए तो ये दिल्ली सट रही है ना ये। हाँ जी, ये दिल्ली तक पहुंच के दागी हो जा रही है। ये देखो, ये देखो आप, ये देखो ये सारा डैमेज हो रहा है। इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है ये देखो, ये डंठल की तरफ से जा रही है। ये देखो, अच्छा जी, ये यहाँ से सट रही है। ये सारी फिर अभी वैसे उसमें जा रही है। मिर्ची बिल्कुल बढ़िया है, ये देखो आप। हाँ जी, डंठल बोल गया आप, ये सारे डब्बे निकाल निकाल डब्बे। ओए बेनी, डब्बा खींचो बार, डब्बा खींच। फिर ये तो क्वालिटी प्रॉब्लम जो इनके भी पड़ गई है, तो सारा सीजन रोने वाला काम हो जाएगा सांगली वाला जी। तो इस सांगली वाला क्या, ये पीछे जो बरसातें हुई है ना, इस बरसातों के चक्कर के अंदर ये खेल है सारा। ये देखो आप, गलन चल गई है, गलन चल गई है जो ये देखो मुंह से गल रही है ना मिर्ची। हाँ जी, ये देखो आप, ये मेन बरसातों के चक्कर में मुँह से गल रही है मिर्ची। अब रिपैकिंग होके जा रही है। हाँ, ये रिपैकिंग होके माल देख रहे हैं। ये देखो, ये मेन क्या, जो अब बरसातें बंद होंगी। हाँ जी, बरसातें बंद होने का मौसम खुलेगा तब जाके क्वालिटी में सुधार आएगा, उससे पहले क्वालिटी में सुधार नहीं आने वाला। ये तो फिर सारा सीजन यही चलता रहेगा जी, जैसे इनका सीजन चला है अभी, हाल फिलहाल यही चलता रहेगा। अब देखो सांगली वाले माल ये है। हाँ जी, ये सांगली वाले माल बन रहे हैं। ये देखो आप, इसके अंदर इनकी क्वालिटी अभी खराब हो चुकी है। अच्छा, इनकी क्वालिटी भी डैमेज हो चुकी है सांगली वाले मालों की। माल अब एंड में चल रहे हैं। अब ये सारे रिपैकिंग हो, जैसे अभी अभी डब्बा खुला जी। देखो ये डब्बा खुला भी। हाँ जी, खुलते जाते हैं, हटाइए उसको। ये देखो आप, खुलते के साथ ही ये देखो आप मालों के अंदर दिख रही ना आपको ये। हाँ जी, ये सब ये गलन की शिकायतें बढ़ रही है ये। अच्छा, ये नहीं टिकेंगे माल आगे चल के। ये देखो आप, अच्छा, और ये लाट एक व्यापारी का लाट कम से 300 का लाट है गाड़ी के अंदर। ये वाला जी, ये सारी बड़ी बड़ी, अब ये खुलनी, ये भी रिपैकिंग होगी, ये भी खुलनी शुरू होगी, ये भी पहले बिकेगी। हाँ जी, उसके बाद रिपैकिंग में चलेगी। दोस्तों बरसातों ने ज्यादा नुकसान कर दिया, देखो कितना भयंकर नुकसान है। बरसातों में नुकसान है ही ज्यादा, इसलिए सांगली टोटल खत्म ही है कुल मिला के। इसलिए चलो, इन्होंने तो जो भी था इनका तो लास्ट है जी, पर इनका देखो ना जी, बरेली और आगरा वालों का जी, ये सबकी मिट्टी में मेन क्या, बरसातों में ये गलन यहाँ से शुरू हो जाती है। हाँ, शिकायत वो हर किसी लाटों में शिकायत है। एक गाड़ी देखो यहाँ भी बन रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। आपको इधर तक अपनी गाड़ियाँ जी सारे में जी। हाँ, ये सारी अपनी यहाँ तक अपनी गाड़ियाँ बन रही है। रोक ले, इधर भी रिपैकिंग हो रही है सारी। ए डबल ही हो डबल, क्या शिकायत आ रही है मिर्ची में, शिकायत क्या आ रही है? डबल है क्या? ये बना रहे मेरे, क्या शिकायत आ रही है? जो दो दागी निकल रही है दिखाओ, कैसी दागी? ये आगे सर का। हाँ, ये भी शिवपुरी है, ये आगे सर का। इसको
ये तो जी इनका खेल खत्म हो जाएगा जी, बरेली आगरा वालों का जी। हाँ, माल शिवपुरी के देखो, ये देखो आप शिवपुरी वाले मालों में भी आप मेन देखो, ये देखो आप ये जो गलम दिख रही है ना, ये गलम दिक्कत दे रही है, ये देखो आप। अच्छा, ये मिर्ची बिल्कुल बढ़िया है। फिर इसका रिपैकिंग का कितना खर्चा आता है जी दोबारा? दोबारा जो लेबर चार्जेज आते हैं वो डब्बा तो सही है, डब्बे में कोई चार्जेज नहीं लगेगा इसका। अच्छा, लेबर चार्जेज आएगा वही रिपैकिंग का खर्चा इसका। अच्छा जी, अच्छा। जो माल डेमेज मेन क्या है, ये बरसातों की वजह से ये आशा भी करती है। अच्छा, जब बरसातों में पेड़ माल लगा होता है ऐसे तो इसमें पानी भर जाता है। अच्छा जी, ये नीचे की तरफ है, बरसात बंद हुई ये डंठल पानी पी चुका है। अच्छा, डंठल पानी पी लेता है ना वो लास्ट में ऐसा हो जाता है, ये देखो आप। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो आप अंदर दिख रहा नहीं, ये सारा माल डैमेज हो रहा है, ये दिक्कत और ये शिकायतें आती है। तो आपके नाम का भी और किसानों के नाम का भी सारी सर्दी रोना रहेगा जी, बता दीजिए। लेकिन वैसे सुधार आ जाएगा, माल नए हैं। हाँ जी, मालों में सुधार कर लेंगे, समझदार व्यापारी है जितने भी। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद भाई, डाल के जो भी सुधार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके दोस्तों, जान लेंगे आरके एंड कंपनी पे, राहुल भाई की दुकान पे, आज का सब्जियों का क्या बाजार चला। भाई साहब के पास जैसे जुकनी आ रही, पत्ता गोभी है, और अपना इनके पास हरी मटर और फ्रांस बीन, ये तो आपको 12 महीने मिलेगी। करेला इनकी दुकान पे, बैंगन है इनकी दुकान पे, पर ये जो ज़्यादा अपना जो बेचते हैं आगे इनके बंदे बेचते हैं, ये तो ज़्यादा मटर और फ्रांस बीन बेचते हैं। जान लेंगे आज का मटर का फ्रांस बीन का कैसा बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी हरी मटर का? कल भी नहीं मिले जी आप? राणा जी कल के चला गया था जल्दी में। अच्छा जी, आज कितनी मटर आई जी हरी मटर जी मंडी में? राणा जी ये 250-300 बोरी थी सिर्फ। सिर्फ? अच्छा जी, बाजार 500 रुपए से लेके 1100 तक। 500 बढ़िया मटर है, 800 रुपए से लेके 1100 रुपए तक। हाँ जी, और जो थोड़े 19-20 माल है ज्यादा वो 300-400-500-600-700 तक। अच्छा जी, अच्छा, ये सारी हिमाचल आ रही है, उत्तराखंड भी आई जी दोबारा? उत्तराखंड भी नहीं आ रही है, हिमाचल आ रही है। एक ही बार आई जी उत्तराखंड? हाँ जी, जो भी 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हुई ना। हाँ जी, इससे फर्क पड़ गया, उत्तराखंड लेट हो गई जरा। अच्छा जी, अच्छा जी। और आज का जी फ्रांस बीन का जी? फ्रांस बीन भी कीजिए यहाँ पे 70 रुपए से लेकर 80-85-90 रुपए तक। 70 से 80-85-90 रुपए तक जी। ये नासिक वाली भी आ रही है? नासिक वाली मंडी में 1.5 गाड़ी थी, वो बिकी 60 से 70 रुपए किलो। 60 से 70 रुपए किलो जी। जी। और आज का जी ये पत्ता को भी कहाँ कहाँ किया जी? पत्ता भी बेलगांव की है, ये बिक्री है 1500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक। 1500 से लेकर 1200 रुपए? ये थोड़ी हल्की थोड़ी गाड़ी दागी हो गया माल, ये बरसात का माल है। जो बढ़िया पत्ता को भी है जी, जो बेलगांव की, उसका क्या बाजार है जी? 1500-1600। और अपना जो हिमाचल वाली आपके जो तोल के बिक्री थी वो नहीं आ रही जी? वहाँ रेट थे दिल्ली टाउन ने भी। अच्छा जी, अच्छा, तो बड़ी पास बंदी इसमें डाल नहीं रहे वो। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद। दोस्तों जान लेंगे रामू भाई, जो रामू भाई पहले मिलते उनके छोटे भाई हैं राजू, इन ये जो है बैंगन बेच रहे, चूचू बैंगन, काले वाला बैंगन और करेला। हाँ जी राजू भाई साहब जी, आज का क्या बाजार चला जी करेले का जी? नमस्कार जी, आज करेले का बाजार जी 22-23 रुपए था, और ज्यादातर ये 20 रुपए बिका है। वो बिका क्या है, लेकिन थोड़ा ग्राहक त्योहार के कारण कम आ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। और अपना जो ये काले वाला बैंगन जी है? काले वाला बैंगन भाई साहब बिका बढ़िया बैंगन जो था वो 30-32 रुपए बिका, बाकी हल्का बैंगन जो है 20 रुपए से 25 रुपए। अच्छा जी, और ये जो गुलाबी चूचू जी, ये छोटा वाला गुलाबी चूचू भी एक नंबर का जो है वो 30-32 रुपए बिका है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। और अपने पास खीरा नहीं आ रहा सीड? नहीं, खीरा नहीं आ रहा इस टाइम। अच्छा जी, करेला और बैंगन ही है? करेला और बैंगन है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों जान लेंगे भाई साहब के पास आंवला आया, आंवले का क्या रेट चला, और ये ग्वार फली है, जानते हैं ग्वार फली का भी क्या रेट चला। सर जी नमस्कार जी। सर जी ग्वार फली का क्या बाजार चल रहा जी? मोटी ग्वार बिक रही 25-26 रुपए किलो। हाँ जी। और मखनी बिकी 35-40 रुपए किलो। हाँ जी। और सुपर मखनी बिक्री 40-45 रुपए किलो। अच्छा जी। और मीडियम बिक्री 30 रुपए किलो। हाँ जी। और आंवला बिक रहा है मीडियम है 25-26 रुपए किलो। हाँ जी। और मोटा थोड़ा है 30-35 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। और अपने पास वो गुच्छे वाली जो देसी ग्वार है? हाँ जी, वो 20 रुपए की है। वो 20 रुपए। और हैदराबाद वाली दोबारा नहीं आई? आंवला सिंगी आई थी। हाँ जी, 130 रुपए की है सिंगी। हाँ। ये ड्रमस्टिक जी, ड्रमस्टिक। ये कहाँ वाली जी? राजस्थान वाली थी। ड्रमस्टिक राजस्थान की चल गई? छोटे साइज में है जी वो? बढ़िया है। अच्छा जी, 130 रुपए किलो। हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी। 98-91-90-90-88। दोस्तों आज इन भाई साहब के पास सिंगी भी आई जो 130 रुपए किलो सिंगी बिकी, ड्रमस्टिक बोलते हैं जिसको। दोस्तों जान लेंगे मिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे, आज तो जुगनी आई, जुगनी का भंडारा करेंगे आज तो। हाथ तो इनके पास जुगनी है, और फूल गोभी आई दोस्तों इनके पास, और इनके पास आया दोस्तों करेला, और टिंडा तो इनके पास आपको 12 महीने मिलेगा, वो तो बिक लिया। जान लेंगे आज का इसका क्या बाजार चला जुगनी का।
सर जी नमस्कार जी, नमस्कार। आज तो जुगनी का भंडारा लाएंगे दिखा। ऐसे है जुगनी का बाजार, आज से 15 दिन पहले 80-85 रुपए था, आज 20-15 रुपए किलो बाजार है। अच्छा जी, अच्छा। करेले का बाजार है 20 रुपए किलो। अच्छा जी, और जो टिंडा था अपने पास, धनिये, धनिये की दो गाड़ी आई थी। हाँ जी, जो 50 रुपए से लेके 70 रुपए किलो तक बिका। ये क्या धनिया जी? धनिया राजस्थान वाला, राजस्थान वाला, राजस्थान वाला लेकर 70 रुपए। और टिंडा बिका 50 से लेके 60 रुपए तक। टिंडा 50 रुपए से 60 रुपए तक। और ये ऐसी फूल गोभी जी है? ये फूल गोभी आज जो बिकी है 35-36 रुपए। और जैसी ये पड़ी है वाली? ये बिकी है 25-26 बिकी। अच्छा, वो इससे बढ़िया जी? इससे बढ़िया गोभी थी। हाँ जी, 35 रुपए बिकी। ये कहाँ वाली थी जी? ये राजस्थान की थी। अच्छा जी, अच्छा। टिंडा भी राजस्थान वाला? राजस्थान भी, राजस्थान वाला था। अच्छा जी, ये करेला, ये जुगनी है जो? हाँ जी, महंगी बिकती थी, आज 20 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा जी, चलो भंडारा लग जाएगा जी। हाँ जी, भंडारा लग जाएगा, काम आए। ये तो सलाद में ही सब्जी तो नहीं बनती जी? नहीं नहीं, सलाद में काम आती, सब्जी सलाद में ही चलेगी जी। हाँ जी, वो बंदरों की फौज आ रही जी, उनको दे दो एक आधी पन्नी, वो आलू ये खाते ही नहीं। हाँ जी, ये खाते ही नहीं, जुगनी नहीं खाते, नहीं खाते। ये भी बढ़िया इम्पोर्टेड सौदे खावा। हाँ, सीप लोग भी खाते है, सीप लोग के राजा है। धन्यवाद सर। और जो किसी भाई राजस्थान से धनिया, गोभी, चप्पल, डिल्ला किसी भी भाई को भेजना हो, अच्छा, तो हमारा नंबर ले लीजिए और अच्छा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धनिया भी बेच रहा है आपके पास? हरी मिर्ची नहीं आती जी? हरी मिर्ची आती है, अचार वाली। अच्छा जी, हाँ जी। दोस्तों इनकी दुकान का एड्रेस, इनका कॉन्टेक्ट। दोस्तों जान लेंगे हरी तिखी मिर्ची का आज का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी तिखी मिर्ची आई, जो स्पेशलिस्ट के भाई साहब बेचने वाले हैं, ये रात से ही ये शिमला, ये अपनी हरी तिखी मिर्ची बेचनी शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज कितनी गाड़ियां आई जी मंडी में जी, कहां कहां के माल आ रहे जी मंडी में? भाजी सब यूपी का माल है आज, सारा यूपी जी। भाई एक गाड़ी वरुड थी। अच्छा जी, वो 45 रुपए भी की है वरुड वाली। हाँ, बाकी सब यूपी का माल। और जो नंदूर बाहर आ रही थी बंदोली जी, वो एक नंदूर वारती, वो भी 45 बिकी। अच्छा जी, और बुलडाना बंद है जी? बुलडाना बंद, बुलडाना एक गाड़ी थी 35 से लेके 40 वाली थी, बुलडाना 35 से 40 रुपए। और इंदौर जी? इंदौर बंद हो गई। अच्छा जी, अच्छा। और इसका जो यूपी वाली है जिसका क्या बाजार चल रहा है? ये सब लेके 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक, सारी 35 से 40 रुपए। वरूर और नंदूर बहार वो 45 की। अच्छा जी, आज आज। और जी सर जी जो उनसे पनियों में, अरे पनियों के अंदर ये आगरा है 48 रुपए, ये भी यूपी है। अच्छा 48 रुपए, 48 रुपए बिकेगी, 48 बता रहे 45 बिके। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद सर जी, अपना मोबाइल नंबर बोल दो। मोबाइल नंबर 9310-4716-98। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ये थे दोस्तों हरी तिखी मिर्ची का रेट, और जो अपना हरे धनिया का रेट है दोस्तों, अब लोकल चल पड़ा हरियाणा का भी और अपना राजस्थान का भी। ये महिंदर सिंह भाई जी ने पहले ही आपको रेट बता दिया जी आज का, उनके पास दो गाड़ी आई थी इसकी। ये है दोस्तों आगरे वाली जो पन्नी में आती है, 48 रुपए 45 रुपए जो बिक रही है। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं A241 नंबर दुकान पर, जान लेंगे A241 पर इनके पास ये सेम फली आती है, खीरा देसी वाला, और इनके पास दोस्तों ये तोरियां आई, ये लंबे वाली तोरी है, और एक दोस्तों ये होती है इसको बोलते हैं सेम्मा, ये है बड़े वाली सेम जिसको सेम्मा बोलते हैं, और ये छोटे वाली है जिसको सेम फली भी बोलते हैं। जान लेंगे इसका क्या कुछ बाजार चला और सेम्मे का भी। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चल रहा है जी, जो छोटे वाली सेम फली है जिसका? छोटे वाली जी, और जो बड़े वाली सेम है जी? 14-15, वो 14-15 जी। और आज का जी खीरे का क्या बाजार चला जी? खीरा 15-16। और वो जो चिकनी तोरी है जी प्लेन वाली? 40-45। अच्छा जी, और अपने पास 12 महीने ही आता है जी अपना रतालू, आज नहीं आ रहा जी? नहीं आ रहा। अच्छा, उसका कैसा बाजार चल रहा जी वैसे? रतालू का कैसा बाजार? 17-18 का चल रहा है। 17-18 का जी। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा जी अब अपनी दुकान पे जी? सेम आ रही है, 100 आ रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस वो मोबाइल नंबर बोल दो। 241। हाँ जी, सुपर सप्लाई कंपनी। हाँ जी, और मोबाइल नंबर जी? 98-916-20-922। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों जान लेंगे इन भाई धीरज कुमार भाई साहब की दुकान पे भी आज का क्या बाजार चला है। इनके पास जो अरबी आती है और अपना ये बैंगन है, करेला है, इसका क्या कुछ बाजार चल रहा? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी अरबी कितनी आ रही है आजकल, कैसे बाजार चल रहे जी अरबी के जी आजकल? अरबी 3 गाड़ी आई थी संभल की, अपने पास है मंडी में जी? अपने पास ही 3 गाड़ी आई थी, मंडी में 3-4 गाड़ी और थी संभल की। अच्छा जी, तो अब कैसा बाजार चल रहा जी अरबी का जी? बाजार वही है 25-28 रुपए किलो तक बिकी। 25-28 रुपए किलो जी। अच्छा जी, अच्छा।
और अपना वो जो कचालू है जिसका, कचालू 300 रुपए कट्टा, कचालू 300 रुपए 300 रुपए कट्टा। अच्छा जी, अच्छा। और ये बैंगन जी है? ये बैंगन बिक रहा 25-26 रुपए किलो। ये 25-26 रुपए, वो नहीं आता आपके पास कंचन मोटे वाला? कंचन 1000-1200 रुपए कट्टा बिक रहा, वो पर रहा 35-40 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा जी। वो जिसमें 30 किलो वजन होता है जी? 30 किलो नहीं होता, 30 कहते हैं, निकलता 25-24-28। अच्छा, कट्टा 30 का पूरा कट्टा नहीं निकलता। अच्छा जी, अच्छा। 25-40 रुपए किलो। और आपके पास वो छोटे वाला बैंगन आता था जी, छोटे चूचू? हाँ जी, 30 रुपए किलो। वो 30 रुपए, 30-32 रुपए किलो। धन्यवाद भाई साहब जी, अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी। 9891195145। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। दोस्तों ये धीरज भाई आज तो ये काम में लग रहे, नमस्कार जी, पूरे काम में लग रहे आज तो आप। बीज काम में लग रहे हैं आज। बैगन बड़ा स्टॉप बिका है, आगरा वाला शमशाबाद का शुरू हुआ है चूचू। हाँ जी, वो 3234 रुपए, आधे घंटे में गाड़ी खाली हुई है। ये आई थी रवि सोनकर के पास, मोहन भाई बैगन वाले जो फेमस कंचन के विक्रेता। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अरवी में पहले से बहुत तेजी है, किसानों का माल 28-30 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, बढ़िया अरवी, बिसोली की अरवी आ नहीं रहे, खेत अभी गीले हैं। अच्छा, अगर वो अरवी आ जाए तो 34-36 रुपए किलो तक बिकेगी बिसोली वाली। हाँ जी, किसानी माल जो 18-20 रुपए किलो बिक रहा था सीधा 28-30 रुपए बिक रहा है जी। और ऐसे माल जो ये 26 रुपए किलो बेच रहे हैं जी अरवी। अच्छा जी, थोड़ी मीडियम है लेकिन बाजार इसका बढ़िया है, किसानों की लॉटरी लग गई। जो किसान भाई अरवी खोदना चाहते हैं, एक हफ्ते के अंदर अपनी अरवी की खुदाई कर ले, खेत सूखते ही बढ़िया भाव मिलेगा और बढ़िया बाजार है। हर इलाके की अरवी एंड हो गई है। देहरादून की अभी एक गाड़ी आई है अरवी के सामने, लगी है दर्शकों को आप दिखाइए। हाँ जी, हाँ, ये अपने भाव बिकेगी, इसका भाव चल रहा है 40-50 रुपए के अंदर। हाँ जी, अभी हाँ जी। दो ही गाड़ियां आ रही है, कोहली साहब पे आ रही है, किन पे आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप भी अपना मोबाइल नंबर, शॉप नंबर है 239 न्यू सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9811-2848-97। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जान लेंगे ना भाई साहब के पास, फूल गोभी है, बैंगन है और ये भिंडी है, क्या बाजार? हाँ जी दोस्त, हेलो, इसका भिंडी का क्या बाजार चला जी, इस वाली का, मोटे वाली का जी? मोटे वाले का 20-25 का। और जो इसमें कली भिंडी है जी, कली वो 30-40 के बीच में। कल से डाउन रहा भिंडी का? हाँ, 10 रुपए किलो का फर्क है। अच्छा दोस्तों, भिंडी कल से 10 रुपए किलो डाउन, और ये फूल गोभी जी ऐसे वाली जी? ये हल्की है, 15-20 का रेट है, बढ़िया 40 रुपए, 30-40 का। और ये बैंगन कहाँ का जी है? ये लोकल है जी। अच्छा जी, इसका क्या बाजार चल रहा है जी? इसका 25-30 का। 25-30 रुपए। और मूली कहाँ वाली आ रही है? ये राजस्थान। इसका क्या बाजार चला जी? मूली 15 रुपए जी। अच्छा जी, अच्छा। और आप क्या क्या माल बेचते हैं जी? ये कद्दू भी अपने पास आता है जी? कद्दू का क्या चल रहा है? 10 रुपए किलो चल रहा है। ये सेंचुरी है जी? हाँ जी, हाँ जी, लंबे गोल चक्री हो जी इसमें, बढ़िया वाला 14-15 भी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त, अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी एक बार बस, कोई किसी को माल लगाना हो आपकी दुकान पे। 70-152। हाँ जी, 27-248। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। दोस्तों जान लेंगे ना भाई साहब के पास, ये करेला आया और इनके पास ये घी आई और इनके पास ये मूली आ रही राजस्थान की, क्या बाजार? नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, करेला राजस्थान है जी अभी? हाँ जी, करेला कानपुर का है जी। कानपुर जी, इसका कैसा चला जी? करेला बहुत ही बिका है, 20-25। अच्छा जी, अच्छा। और मूली का जी? इसका मूली ये बिकी है 10 रुपए किलो, 12 रुपए, 10 रुपए, 12। अच्छा जी, घिया बढ़िया वाली नहीं आ रही जी? घिया अभी यही चली, बारिश में घिया थोड़ा सा हल्का हो जा रहा है ना। हाँ जी, इसका क्या बाजार चल रहा है जी? घिया यही 10-12-15। अच्छा, जो बढ़िया अच्छी जाल वाली घिया है जी, उसके 20 रुपए, 22-20 रुपए। और आपके पास खीरा आता था, वो नहीं आ रहा आजकल? खीरा अभी आज नहीं आया गाड़ी, खीरा आ रहा था, खीरा ये अपना चल रहा है रायपुर, यही 10-12-15। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब, अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी। 85-058-33-125। धन्यवाद। तो जान लेंगे स्वीट कॉर्न मक्की का, क्या बाजार चल रहा मंडी में, कहाँ कहाँ की स्वीट कॉर्न मक्की आती है आजकल, इसके क्या कुछ रेट है? नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, कैसे बाजार चल रहे जी आजकल स्वीट कॉर्न? बाजार चल रहा है 1200 से लेके 800 तक। 800 से 1200 तक। और वजन कितना है जी इसमें? वजन 55 किलो 50 किलो। अच्छा जी, जो बढ़िया वाली अच्छी नंबर वन की टॉप 1200। अच्छा जी, ये कहाँ वाला माल आ रहा जी? अब सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत जी। और अपना जो आपके पास एक बार गुजरात आता था, वो कब तक आएगा? वो अभी नहीं आएगा, अभी ठंडी और बढ़ेगी जब आएगा। अच्छा, अभी ये लोकली चल रहा जी। धन्यवाद भाई साहब, अपनी दुकान का क्या एड्रेस है ये? D372। और मोबाइल नंबर जी? 9582-588। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये स्वीट कॉर्न मक्की है, तो छोटी बड़ी है इसमें सारी, पर ये अभी लोकल चली हुई है। तो जान लेंगे आज का स्वीट कॉर्न मक्की का क्या बाजार चला है, इन भाई साहब का भी स्वीट कॉर्न मक्की का काम है, जान लेंगे कहाँ कहाँ के माल आ रहे आज का, क्या कुछ रेट चल रहे। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, माल कहाँ के आ रहे जी आजकल जी? ये लोकल हरियाणा से आ रहा है जी। अच्छा जी, और जो पहले गुजरात का आती थी ये स्वीट कॉर्न मक्की? हाँ, वो भी आएगी लेकिन फरवरी से स्टार्ट होगी वो। अच्छा जी, हाँ, तो आजकल कैसा बाजार चला जी इसका जी? बाजार मार्केट जी
800 से लेकर 1100 रुपए तक चला। 800 से 1100। और जो लंबी बढ़िया वाली स्वीट कॉर्न मक्की हो जी, अच्छे वाली बढ़िया टॉप वाली मक्की 1200 रुपए। 1200 रुपए जी। और वजन कितना जी बोरी में जी है? वजन वही 50-55 किलो। अच्छा जी, तो कितने दिन का सीजन है जी, कितने दिन चलेगी जी अभी? है ये अभी फरवरी तक चलेगी जी, उसके बाद वो अपना गुजरात आएगी। हाँ जी, गुजरात चालू हो जाएगी फिर। अच्छा, आपका 12 महीने इसी का ही काम है जी? जी जी, 12 महीने भुट्टे का काम। अच्छा जी, अच्छा। और देसी वाला भी बेचते हो जी आप? नहीं, देसी वाला दूसरी मार्केट में बिकता है, इधर नहीं। अच्छा, आपका ये स्वीट कॉर्न का ही काम है? हाँ जी, स्वीट कॉर्न का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर, किसी को माल खरीदना हो या भेजना हो यहाँ पर? दुकान का एड्रेस है D373 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर जिले। हाँ जी, अनिल चौहान। और मोबाइल नंबर जी? 83-750-22-150। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ जी, कितने दिनों ये रेट चल रहा है? ऊपर नीचे भी चलता रहता है इसका? ज्यादा डेली का रेट है इसका। अच्छा जी, कभी 1000 हो जाता है, कभी 900 हो जाता है, कभी 500 भी हो जाता है। अच्छा जी, यानी डेली का रोज 100-200 ऊपर नीचे चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। तो जान लेंगे इन भाई साहब के पास भी, जो अपना ये पत्ता गोभी आई, पत्ता गोभी की गाड़ी कहाँ वाले माल है? माल तो थोड़ा डैमेज हो रहा है, जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है इसकी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, बढ़िया जी। कहाँ से? बहुत दिनों बाद नजर आए आप। बस आप ही नहीं मिलते जी। अच्छा जी, तो कैसा है, कहाँ वाला माल है जी? ये संगोला का माल है जी, महाराष्ट्र का। तो रगड़े कैसे लगी जी है? ये टायर की जगह होती है, गर्म हो गई है और आगे मतलब बरसात में भीगा हुआ माल आया। अच्छा, भीगो हुआ माल होने का। अच्छा जी, तो इसका कैसा बाजार चल रहा जी है? भाई जी, 800 से 1200 तक। 800 से 1200 रुपए। जो बढ़िया वाली अच्छी है उसका तो रेट ठीक है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, उसका 1500 से 2000 तक है रेट। अच्छा जी, यानी जो रगड़ लगने के कारण बिक गए माल होने के कारण इसका रेट टूट गया जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, दागी माल की कोई पोजीशन नहीं है जी मंडी में? नहीं, दागी को तो फिर लेने वाले भी भाई जी नखरे करता है, देने वाला भी क्या करता, क्या करे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? रायसन टमाटर एजेंसी, सुधीर दमीजा, 9891011997। बहुत बहुत शुक्रिया जी।